कुछ डिग्री भी मिलती है इंसान को, और उसके अलावा इंसान खुद तो सीखता भी है कि मैं ये कोर्स कर कर आया हूँ। अगला वाला पूछ रहा है, ठीक है डिग्री तो बन भी जाती है आजकल, आपको आता क्या है? जब वो देखता है कि इसको कुछ नहीं आता, इसका मतलब है या तो इसने क्लासे अटेंड ही नहीं की, या अगर अटेंड की है तो फिर सो रहा था क्लास के अंदर। क्योंकि अगर जब तक आप उस कोर्स के बाद आपके अंदर तब्दीली नहीं आ रही, तो कोर्स सही नहीं था फिर आपके लिए। तो मेरी जिंदगी में कितने मुहर्रम आए, मुहर्रम सफर कितनी मैंने वजह से सुनी, पूरे 10 दिन में माशाल्लाह बेहतरीन ने पूरे 2 महीनों में 45 है। कम से कम एवरेज आप निकाले अपनी जिंदगी का, जो जवान खासकर बैठे हुए हैं, इन जवानों में अगर आप बाशऊर जब से हुए हैं तो आपने 5 साल 10 साल मजलिसें सुनी होगी। इन 10 साल में अगर आप हर साल में 10 मजलिसें तो सुनी होगी, तो कितनी हो गई, 100 मजलिसें। 100 मजलिस सुनने के बाद मेरे अंदर कितनी तब्दील है, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क्या मारिफत रखता हूँ, कितनी मारिफत पहले थी अब कितनी मारिफत है, मैं हजरत अकबर अलैहिस्सलाम को पहले कितना जानता था अब कितना जानता हूँ। क्योंकि मुश्किल ये है कि हम मारिफत और शनाख्त की तरफ नहीं बढ़ पा रहे। इसमें मतलब को आपका कसूर नहीं है कि आप बोलेंगे हमारा क्या कसूर है, शायद आप बोलेंगे तो देने वाले का कसूर है, क्योंकि सारी चीजें पास दस्त आकर देने वाले पलट जाती है, वो दे जो देंगे वो ही सुन रहे हैं। देखिए बात ये नहीं है, बात ये होती है कि जो आप जैसे होंगे आपके लिए वैसा शख्स आएगा, ये याद रखिएगा। ये हम तो कहते हैं कि फलानी जगह पर बहुत ज्यादा लोग बाशऊर बाबसीरत हैं, और हम हमारा असल में हम अपने से जिम्मेदारी को हटाकर दूसरे पर डालना बहुत आसान है। वो सामने वालों ने मजलिस कराई, सामने वालों ने प्रोग्राम ऐसा किया, मौलाना साहब ये पढ़ के चले गए, मौलाना ने ये किया, मौलाना ने वो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आज तक क्या किया, मैंने कितनी किताबें पढ़ी इमाम हुसैन पर, मैंने 2 महीनों में कोई किताब उठाई जिस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हदीसें लिखी हूँ, मैं कितना जानता हूँ इमाम हुसैन के खुतबों के बारे में, मतलब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है बस मैं आऊँ मजलिस सुनूँ चला जाऊँ, और अगर कोई याद अच्छी ना दे तो 4 बातें भी कर लूं। जाने को अपना मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, अल्लाह का रास्ता आप बोले नहीं, भरपूर अज़ादारी करें, भरपूर नजरों न्याज करें, भरपूर मातम करें, ये जरूरी है, ये शुआर इलाही है, इसको दबना नहीं चाहिए, दुश्मन इसको दबाना चाहता है। ये बातें कि मतलब इतना आप बिजनेस पे खर्च करते हैं, इतना आप पैसा यूं खर्च करते हैं किसी और पे कर लें, नहीं किसी और पे क्यों करें, वहां आप और पैसे लेकर आए और करें। इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के जब 8 साल की जंग चल रही थी तो इमाम खुमैनी को लोगों ने कहा कि ये जो आजादारी पर इतना पैसा लग रहा है इसको थोड़ा कम कर दें और पैसा जो है वो जंग पर लगाएं, तो इमाम खुमैनी ने मना किया कि जो पैसा आजादारी पर है वो आजादारी पर लगेगा, जंग के लिए पैसा कहीं और से लेकर आओ। तो आजादारी को नहीं रोके आप, पैसा जितना इमाम हुसैन की राह में तो आप जितना देंगे वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि हम कुछ दे ही नहीं सकते इमाम हुसैन को जो इमाम हुसैन ने हमें दिया है। यानी जिस शख्स ने, जिस हस्ती ने, जिस जात ने अपने जिगर के टुकड़ों को करबला में दे दिया, उससे बढ़कर दुनिया में आज तक कोई कुर्बानी की जगह मतलब नहीं पाएगा। इमाम हुसैन की राह में जो इंसान एक धर्म एक रुपया भी खर्च करता है उसकी बाजगश्त शायद आपको इस दुनिया में नजर ना आए, लेकिन रोजे कयामत में वो बाजगश्त जरूर करेगी जो आप देंगे। इमाम हुसैन वो मिस्बान के आलम दीन थे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि वहां जो इमाम बारगाह थी वहां का एक मुतवल्ली था, और वहां से वो पैसे लेते थे, उसे डोनेशन देता था जो भी नजर न्याज होती थी। तो एक दफा उसने देखा कि उसके पास लड़के आए कि भाई इस दफा ज्यादा खर्चा हो गया। उसने जो है वो कहा मसला नहीं है, कहा नहीं ज्यादा हो गया, कहा नहीं है, चेक साइन कर दिया बगैर देखे। आलिम दीन ने ख्वाब में देखा कि रोजे कयामत है, लोग लाइन में लगे हुए हैं, सफे लगी हुई हैं और जन्नत की तरफ जा रहे हैं, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, दुरूद भेजो पर इमाम मौजूद है, मलाइका के हाथ में सबकी फाइलें हैं, सबको देखते हैं, फिर या तो अप्रूव करते हैं या फिर छोड़ देते हैं। उस शख्स की जब फाइल आई तो इमाम के बगैर देखे सिग्नेचर कर दिए,
तो मलाइका कह रहे हैं कि मौला देख तो लेते, कहा जो हमारी राह में देते हुए नहीं देखता हम भी उसके अमाल को नहीं देखते। तो इससे कंजूसी ना करें खुदा ना रास्ता। ये लिबरल थॉट्स, सेकुलर थॉट्स जो आ गई है कि इतना आजादारी पे खर्चा हो रहा है, तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसको ना ध्यान दें इसको, क्योंकि दुश्मन हर तरफ से आता है, अफकार के जरिए से, मजालिस के जरिए से, गलत अकीदों के जरिए से, और ये भी एक जरिया है। तो नहीं, इस पर खर्च करें, आप बेहतर खर्च करें, इमाम के नाम पर दें और उनको खिलाएं कि जो इमाम को सही तरह नहीं जानते उनको खिलाएं, ऐसे इलाकों में दे जाकर नजरों को खाना जाकर देना दे। लोग क्यों दे, बोले इमाम हुसैन के अय्याम चल रहे, हम देने आए थे। तो हो सकता है वो आपसे पूछे हमको इमाम हुसैन कौन थे, या अगर उनको पता हो तो ज्यादा सड़कों पर जितने भी सिग्नल्स हैं वहां पर खड़े हुए लोगों को, गरीबों को, गाड़ी को गुजरने वालों को खाना दे दे, उनको दे, मेरी क्या हमारों को दे दे, यानी ऐसे लोगों तक भी पहुंचाए इमाम के नाम पर कि शायद जरूरत भी हो और आपका पैगाम भी पहुंचे। और यही वजह है कि देखिए दुश्मन यही चाहता है कि हर तरीके से आपको दबाए, कमजोर करे, आपको अपने ही जगहों पर जो है वो रख दे। नहीं, ऐसा ना करें, और सही पैगाम जो है वो इमाम हुसैन का, उसको पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। रोजे कयामत हमसे पूछा जाएगा, फलाने दौर में, फलाने साल में, फलानी जगह पर तुमने क्या किया हमारे लिए, पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें मौका दिया था, तुमने क्या किया, तुमने हमारे पैगाम को पहुंचाया या लोगों को खुश किया जाकर मिलकर पर। बोले मौला लोग नाराज हो जाते थे, बोले वहां लोगों की नाराजगी तुम्हें इंपॉर्टेंट थी या हमारी रजा तुम्हें मिल गई। करबला यही है, करबला लोगों को राजी करने की जगह नहीं है, करबला हाकिम के सामने हथियार डालने की जगह नहीं है, करबला पैसे की खातिर इमाम को छोड़ने की जगह नहीं है, करबला जो है वो अपनी जान की खातिर करबला छोड़ने की जगह, करबला वो है कि जहां जो कुछ है तुम्हारे पास सब कुछ आकर दे दो इमाम के पास। तुम इमाम को समझे हो वरना तुम इमाम को नहीं समझे। यही तो वजह थी कि वहां लोग इमाम को नहीं समझ रहे थे। ये जो आप सुनते हैं कि इमाम के सामने हजारों का लश्कर, लाखों का लश्कर, ये लश्कर कहां से आया था? ये लश्कर शाम से आया था। जवाब दे, शाम से आया था। ये लश्कर शाम से नहीं आया था, ये कूफा से आया था। कूफा कौन सा शहर है? कूफा वो शहर है कि जिन्होंने इमाम को 18,000-12,000 मुख्तलिफ रिवायतें खत लिखे, मौला आइए, मौला आइए, मौला आ जाइए, मौला आ जाइए, जैसे आज हम दुआएं करते हैं, अलजल अलजल, मौला आ जाइए, मौला आ जाइए, अरीजे लिखते हैं, दुआएं करते हैं। और अगर इमाम आ गए तो क्या होगा? और इमाम वहां पर आए थे तो क्या हुआ? कंपेयर करें, तहलील है। करबला कोई ऐसी दास्तान नहीं है कि आप बोले तारीख के वर्ग में दास्तान से वाकया पलट गया। नहीं, करबला हकीकत पर मबनी है। इसीलिए आइम्मा ने ताकीद की है कि करबला को रिपीट किया जाए, दोहराया जाए। ये जो आज सवाल करते हैं, भाई ठीक है हो गया वाकया, आप क्या हर दफा पर हजरत अली रोना गिरिया, नहीं, ये शुआरे इलाही है, इसको जिंदा रखना है। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कयाम न होता तो आज इस्लाम यहां न होता। ये हकीकत है, ये कोई इसलिए जज्बाती बात नहीं है। आप इसको तहलील करें, आप इसको आप खुद पढ़े इसको। तो यहां पर देखें, जब माह मुहर्रम आए तो हर चीज के आदाब होते हैं। तो मेरा भी अदब यही होना चाहिए कि जब मैं इस महीने में दाखिल हूं तो अपनी रूहानी आमादनी के साथ दाखिल हूं। रूहानी आमादनी क्या है? कि मैं अपने आप को पाक और साफ, मैं अपने आप को खुदा ना खास्ता, मैं आपको नहीं कह रहा, अपने आप को कह रहा हूं गुनाहों से दूर करूं, जो मुझसे गलतियां होती है इन महीनों में उससे इज्तनाब करूं, अपनी आंखों को साफ रखूं, क्योंकि ये आंखें इमाम हुसैन के लिए गिरिया करने वाली है। तो तसव्वुर करें ना, मैं इन आंखों से कोई हराम काम करूं और फिर इन्हीं आंखों से गिरिया भी करूं, खुद मैं अपने आप को देखूं, क्या ये क्या मुनासिब बात है? ये इस जबान से मैं किसी को बुरा भला भी बोलूं, गीबत भी करूं, और फिर इसी जबान से मैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला भी बोलूं,
انہی کانوں سے میں خدا نہ خاصتا حرام چیزیں بھی سنوں اور انہی کانوں سے میں مجلس ماتم عزاداری بھی سنوں نوحے بھی سنوں. نہیں ازگان محترم, ایسا نہیں ہے. کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہے کہ جو روح کو پرواز کروا سکتی ہے, اور یہ وہی ایام ہے. دیکھیں اس محرم کو کسی اور ڈائریکشن سے نبھائے, یعنی اپنی ذات کی اپنی معنویت کی ارتقاء کے لیے اپنے آپ کو اس محرم میں داخل ہوئی. اب دیکھیں نا, مائے محرم آ رہا ہے, پہلے سے شروع ہو گئی تقریباً. آپ بیٹھے, اگر یہاں امام کا نام لیا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے. مجھے آپ یہ بتائیں, کیا ہم یا میں, ہم کیا اتنے پاک صاف ہیں کہ ابھی امام کا نام لے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ہمارے؟ ہم پورا سال کتنی ریاضت کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں؟ نہیں, یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی کمال بندگی ہے کہ جو ہم جیسے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میرے جیسے گناہگاروں کو یہاں نام حسین آتا ہے اور وہ آنسو آ جاتے ہیں. ایک خاتون جو نان مسلم کی مسلم ہوئی, اور پھر اس کے بعد جس بھی فرقے میں تھی, تو جب ان سے پوچھتی تھی مختلف فرقوں کے بارے میں, تو جب تشیعوں کے بارے میں, تو غلط نہیں ہے, کافر ہے, تو چھوڑ دیتی تھی. ایک دن وہ انٹرنیٹ پہ کہہ رہی, میں بیٹھی تھی تو سن رہی تھی, تو اچانک سے ایک ہمارے خطبہ میں سے کوئی ذاکر, تو کہا چلے میں کوشش ٹرائی کرتی ہوں کہ یہ کیا کہتے ہیں. جب سنا گفتگو کا تلانی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجلس جو بھی سیشن چل رہا تھا, لیکچر چل رہا تھا, اس کے آخر میں اس ذاکر نے ایک نام لیا, اس شخص نے, اس خطیب نے ایک نام لیا, اور وہ نام لینا تھا تو پورا مجمع رونا شروع ہو گیا. تو میں تعجب کا شکار ہو گئی کہ یہ کون شخص ہے جس کا یہ نام لیا جا رہا ہے؟ جی, اس کا نام لیتے ہی ہر کوئی گریہ کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ کوئی اور نہیں, یہ تو حسین ہے کہ جس کا نام لیا جائے لوگ گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آخر امام حسین نے کیا کیا؟ اتنے سو سال گزرنے کے باوجود بھی کربلا کے پاس نعرے بتا. ایک اہل سنت عالم دین تھا, اور ہمارے اہل تشیع کے ساتھ اس نے بہت زیادہ مناظرہ, کس طریقے سے نہیں مانتا تھا, دوست تھا ایک اہل تشیع کا, کتابیں بھی دیتا تھا, اپنی تبلیغ کرتا رہتا تھا, یہ بھی لیتے رہتے تھے, لیتے رہتے. ایک دن بہت ایسے گزر گئے, دوست تھے, کہا کہ تم نے مجھے آج تک اتنی کتابیں دی, میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا, تم نے مجھے تبلیغ کی, میں نے تمہیں بس, میں ایک دفعہ میرے ساتھ مجلس میں کرو توبہ استغفار, میں تو مجلس میں نہیں جاؤں گا. کہا دیکھو میں نے تمہاری اتنی بات رکھی, تم میری دوستی پہ ایک بات رکھو. کہتے ٹھیک ہے, گیا وہاں بیٹھ کر استغفار ہی کرتا رہا, وہ کہتا ہے خود کہتا ہے, تو اندر سے خالص کر پتا نہیں تھا. اللہ, جب مجلس اپنے اختتام پر پہنچی, مسائب شروع ہوئے, ایک نام آیا مسائب میں, ایک چھ ماہ کے بچے کا جب ذکر آیا وہ تبدیل ہو گیا. اسے کہتے ہیں باب الحوائج, حوائجوں کا دروازہ نکالے بہت ہوں کربلا. ان الحسینہ مصباح الخدا والسفینۃ النجات, یہ رسول خدا نے ایسے نہیں کہا, یہ ہر دور کے اندر سفینہ نجات ہے, یہ ہر دور کے اندر مسکول ہودا ہے. ایران کا واقعہ ہے, شدید سردیوں کی رات ہائی وے پر ایک گاڑی بند ہو گئی, شدید بند ہو گئی, برف پڑی ہوئی ہے. اب گاڑی جب چل نہیں رہی تو گاڑی کے اندر ہیٹر نہیں ہے, اب فیملی بیچاری سردی کے اندر, اور ہائی وے پر گاڑی رکی نہیں رہی ہے, تیزی سے گاڑیاں گزرے جا رہی ہیں. بندہ روکنے لگ گیا کہ اگر فیملی سردی سے مر نہ جائے. اسے اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا, اس نے ایک کام کیا, ساری گاڑیاں لائن سے روک گئی. کیا کیا اس نے؟ اپنے چھوٹے بچے کو ہاتھ میں اٹھایا اور ہائی وے پر لے جا کر رکھا. نہ جانے کیسے لوگ تھے کہ اس چھ مہینے کے بچے کو بھی پانی نہیں پیا. کربلا انسان کے وجود کو بدل دیتی ہے.
बदल रहे हम लोग, क्यों नहीं तब्दील हो रहे हम लोग? हम भाई मुश्किल ये है कि जब मुहर्रम आता है हमारे बहुत सारे इशू जिंदा हो जाते हैं मुहर्रम के अंदर। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यूं होना चाहिए, ये यूं होना चाहिए, ये मौलाना ऐसा, ये जाकिर ऐसा, ये मस्जिद ऐसी, ये मेंबर ऐसा, ये इंतजामिया ऐसी, जाने मुहर्रम क्या कर रहे हैं हम लोग? हम हजरत सैयदा को उनके बेटे का ये पुरसा दे रहे हैं? हम कयामत वाले दिन खड़े होकर क्या कहेंगे जब मेरी बीवी अपने बेटे का वो खून में लथा हुआ नेजों के सुराखों वाला कुर्ता लेकर आएगी? हम ये कहेंगे कि वो मेंबर पे ये था, वरारत आकर ये था, वो नुआ खान ये था? मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी क्या जिम्मेदारी है? मुस्ताफ का नया कहते हैं कि माह मुहर्रम में कुछ चीजें जाहिरी हैं उनको करें। क्या है? सादा लिबास पहने, घर के अंदर एक काला कोई भी दुपट्टा, कोई चादर, कोई टुकड़ा, घर में कोई काला लगाए कि हमें अजा है। बाहर दरवाजे पर कोई काली चीज लगा दे, कोई कॉल लिख दे इमाम का। अपने घर में छोटी सी मजलिस करें। जरूरी नहीं कि आप किसी मौलाना को बुलाए, आलिम को बुलाए, नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं है। खूब इंटरनेट पर है, टीवी पर है, रेडियो पर है, मोबाइल पर है, आकर चार पांच लोगों को बुलाकर अपने घर में जिक्र हुसैन करें। पता चले, किसको पता चले? दुनिया को नहीं, मलाइका अर्श से देख रहे हैं कि किस घर में फर्श अदा बिछ रही है। जिस हस्ती का जिक्र कौनों महा में होता हो, जिस हस्ती के लिए आसमान ने गिरिया किया हो, उसके लिए मैं कुछ तो करूंगा। तो एक कप चाय का प्याज जरूरी तो नहीं मुझे याद देनी है जाने को? तो वहां यहाँ पर नीयतें देखी जा रही है, जाहिर में ना रहे कि मतलब लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या नहीं छोड़े। दुनिया को, दुनिया ने क्या दिया आज तक? दुनिया ने तो बेवफाई की है। इमाम हुसैन को बुला कर क्या किया दुनिया ने? दुनिया ही तो थी, और क्या था सामने दुनिया? अगर आखिरत होती, आखिरत तो इधर थी, आखिरत तो यहाँ थी कि इतने आसोजा शबे आशूरा जो है वो चेहरे पर तबस्सुम है, तो कहा कि तुम इस तरह मुस्कुरा रहे हो। हाँ, मेरे और खुदा की मुलाकात में चंद घंटों का फासला रह गया है, वहां दुनिया की ज्यादा तो कुछ कोशिश करें बहरहाल इस 10 दिनों में कुछ उसूल बनाए अपनी जिंदगी के, कुछ दुनियावी एक्टिविटीज को थोड़ा हल्का करें, कम करें, अपनी गुफ्तगुओं को खुदा के लिए, खुदा के लिए अपनी गुफ्तगुओं में तनकीदे मसाइल डिस्कस ना करें। हमें इमाम हुसैन के मकसद से बकायदा साजिश के तरीके से हटाया जाता है। देखिए, दुश्मन को ये पता था कि ये आजादारी नहीं छोड़ेंगे, ये सब नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि इसी आजादारी को बदल दो इनके लिए। अब आप जहाँ भी जाए ना, अभी आप देखिए आशूरा शुरू हो जाएगा, अभी यही बातें शुरू हो जाएंगी, वो मनाना ये है, फलाना ये है, यूँ ये करते हैं, वो मातम करते हैं, वो ये करते हैं, इसमें हमारे 10-12 दिन 15 दिन गुजर जाते हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत जो कि बाद का फायदा भी है लेकिन नुकसान भी है उसमें, वो इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, उस पर अभी हम शुरू हो जाएंगे एक दूसरे के खिलाफ। क्या कर रहे हैं हम लोग? हम अच्छी बात को क्या करें अगर नहीं कर सकते? खामोश रहे। आयतुल्लाह उस्मान बैजे फरमाते थे कि इंसान खामोश रहे तो अल्लाह हिकमत देता है। ये आयतुल्लाह बैजे तो खुद अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, इमाम अली अलैहिस्सलाम का कॉल है। जो खामोश रहता है खुदा हिकमत के दरवाजे उसकी जबान से खोल देता है। खामोश रहे, गमे आजा है, खामोश रहे, थोड़ा घर के माहौल को बदले। हम जब छोटे, हमारे घर तो 2 महीने में टीवी नहीं चलता था, वाकई नहीं चलता था, इजाजत नहीं थी। अब तो मतलब मसला ही नहीं है, चले अब आप बोले टीवी बंद करें, कौन सा मर्जी से आ रही है, तुम करें तुम्हें क्या करें, दौर चेंज हो गया, चीजें चेंज हो गई हैं। लेकिन बाज चीजें जो दूसरी, उनमें तो इन्वॉल्व ना हो। कुछ तो हम अपने लिए, अपने वक्त के इमाम को जो कि असल वारिस है करबला का, असल वारिस है, उसको सही पोषण तो दें। और करबला इसीलिए है कि मैं और आप यहाँ जो आए हैं अपने आप को तब्दील कर कर अपने आप को इमाम के हवाले करें। करबला क्यों मना रहे हैं? क्यों आप बार बार तकाबुल करते हैं कि इमाम के साहब ये थे, इमाम के दुश्मन ये थे? क्यों करते हैं? क्योंकि हम पहचान सके कि अभी हमारी जिम्मेदारी क्या है और टेस्ट करें
अपने आप को टेस्ट करें, जिसके छोटे बच्चे हैं वो टेस्ट करें, क्या मैं इन बच्चों को इमाम हुसैन की राह में जिस तरह इमाम हुसैन ने अल्लाह की राह में दिया दे सकता हूँ, क्या मैं बातें तो बहुत अच्छी करता हूँ कि ये कर लेना चाहिए वो हो जाना चाहिए, लेकिन जब मेरी अपनी औलाद आती है तो मैं पीछे कर देता हूँ उसे, क्यों? क्योंकि मैं जाहिर में मुतदय्यन मुसलमान शिया, अंदर से मैं खोखला हूं। कोशिश करें जारे मगरम, अपना सेक्रीफाइस कोई नहीं करता, मैं कुर्बानी देने को तैयार हूं, माली तो मैं अपनी जेब से, नहीं ये तो मेरे पैसे हैं, मैं कहां से दूं। लेकिन जब तक इंसान बंदगी, किसे कहते हैं जो कुरान की आयत में तिलावत की, वरदगार कहता है कि मैंने जिन और इंस को खल्क नहीं किया मगर सिवाय इबादत के। इबादत क्या है बेसिकली? इबादत सिर्फ मस्जिद नमाज रोजा तो नहीं है, 24 घंटे इबादत है। आप अपने घर में भी आप इबादत की हालत में, बाजार में भी, दुकान में, ऑफिस में, यूनिवर्सिटी में, हर वक्त आप बंदगी और अबूदियत की हालत में है। जब भी आप खारिज हुए, यानी गोया आप उस माबूद के अलावा किसी और तरफ खुद बच जाए। बंदगी क्या है कि परवरदिगार मैं हर जो काम कर रहा हूँ तेरी रजा के लिए, और वो काम जिससे वो राजी नहीं है उसका मतलब मैं बंदगी से खारिज हो रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। यानी अगर मैं दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया की मोहब्बतें, नफ्स की ख्वाहिशात की, गोया मैं उसकी बंदगी से अपने आप को थोड़ी देर के लिए ब्रैकेट लगा के बाहर आ रहा हूँ। ये तो उसका लुत्फ है कि वो हमारी सारी गलतियों के बावजूद जब नमाज का वक्त आता है तो कहता है आ जा मेरे बंदे, आ जा, मैं तुझे कुछ नहीं कहता, आ जा सजदा कर दे। खुदा कुरान में कहता है मैं तौबा करने वालों को पसंद करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। यही तो सिफात थी मेरे मौला के अंदर कि वो हुर जिसने उस लश्कर को रोका था, वो जब आया हाथों को बांधा हुआ, आंखों में पट्टियां लाए हुए, बाज रवायात में अपने सामने ढाल थी उसके, यानी अपने चेहरे को भी इमाम को दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं, करीबों का करीब था इमाम हुसैन। जब उसने अपने आप को इमाम हुसैन के कदमों में डाला तो इमाम ने कहा चेहरा तो हटाओ, चेहरा तो उठाओ, गलत तो करो। अजीब है, उस वक्त जब उसने रोका था तो इमाम के पास बहुत पानी था, इमाम ने पूरे लश्कर को सैराब किया, जानवरों को फैलाया, लेकिन जब वो अभी इमाम की खिदमत में आया तो क्या कहता है, मौला मुझे सबसे पहले जाने दीजिए। वो तो है कि मौला कहते हैं कि नहीं थोड़ी देर रुको, अभी तो आए हो, इतनी जल्दी जाने की जिद क्यों कर रहे हो, जाने की बात क्यों कर रहे हो, थोड़ा रुको। मगर मौला जानते थे कि मैं इसकी पजीराई नहीं कर सकता, वो वाली जाहिरी पजीराई, यानी जाहिर में इसको मैं पानी नहीं दे सकता। इमाम ने बोला ठीक है जाओ, अब वो जामे शहादत से सैराब हो जाता, यानी ये एक हुर को, एक हुर का इंतजार है वक्त के इमाम को, एक हुर करवाना नहीं है। दुनिया के थारे पे खड़े हुए लोग अजगर, मतलब जमाना बहुत तेजी से अपने आखिर की तरफ बढ़ रहा है। एक नेकी करना सख्त हो गया, एक नेकी करना, आज आप नेकी करें लोग शक से आपको देखते हैं, पता नहीं इसमें भी कोई इसका मकसद होगी। आज आप किसी से बात कर रहे हैं कहना नहीं देगा ये तो, मतलब यानी हर इतनी मसाइल है कि आप ना अच्छे रह सकते हैं बुरे रहो, तो वैसे ही बुरा है आदमी, बहुत मुश्किल। मैं आपको, मैं यकीन से मैं तजुर्बात आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ी लिखी बात नहीं कर रहा। इतना दौर खराब हो गया है कि वो जो छाननी होती है ना, जो छान रही होती है कि जिसमें से बस अब जो खालिस है वो रुक जाए बाकी सब निकल जाए, ये छाननी इतनी तेज हो गई है कि बड़े बड़े लोग गिर रहे, बड़े बड़े लोग गिर। यही दुआ होनी चाहिए परवरदिगार इस विलायत पर कायम रख जिस पर तूने पैदा किया। ये सख्त है, ये इसको आसान मत समझे, ये तो हमारे माँ बाप का कर्म, उनके लिए दुआएं दे कि जिन्होंने हमें अहले बैत की मोहब्बत में पैदा किया और अहले बैत की मोहब्बत अदा की, वरना मेरा तो कोई कमाल नहीं है और अभी इस पर रहना आसान नहीं है। ये विलायत छिन जाती है जब इंसान अताअत से बाहर हो जाए। अताअत छोड़ देंगे आप, अगर आप अपने वक्त के इमाम की अताअत नहीं कर रहे, ये विलायत निकाल दी जाएगी, और ये बहुत सख्त हो गया है। तो इस माह मुहर्रम को इस नियत से मनाए कि एक इमाम हुसैन राजी हो कि उनका पैगाम आज
1400 سال بعد دنیا میں صحیح منتشر ہو رہا ہے. دوسرا بسرا نے علیہ کو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو. تیسرا وقت کا امام کی طرف بڑھنا بہت ضروری ہے. پچھلے محرم میں کیا تھا, اس محرم میں کیا ہوں, پچھلے محرم میں خدا سے کتنا قریب تھا, اس محرم میں خدا سے کتنا قریب ہوں, پچھلے محرم میں امام زمانہ کی معرفت کتنی تھی, اس محرم میں مجھے امام زمانہ کی معرفت کتنی ہے, یہ ضروری ہے اذان محرم. تو یہ آپ اپنے آپ کو اوپر لے کے جائیں گے تو پھر آپ کو سے کچھ کروایا جائے گا. عالم دین واقعہ نقل کرتے ہیں کہ نجف میں پڑھتا تھا تو ہمارے مدرسے میں ایک اور عالم علم تھا, لیکن بہت سادہ سا تھا. اکثر وہ جوتے صحیح کرنا, واش روم کو صاف کرنا, یعنی بہت زیادہ وضو والا اور ایسے ایسے کام کرتا تھا. تو اور ہر کوئی اس کو کوئی بھی کام ہوتا تھا تو اس کو آواز دے دیتا تھا کہ بھائی یہ کر دو وہ کر دو یہ کر دو, وہ یہ کرتا تھا. جیسے ایک دن رات کو مجھے کوئی کام ضرورت, حتیٰ یہ پرانی بات ہے بہت, ابھی کی بات نہیں ہے, پانی نہیں ہوتا تھا اس طرح نلوں کے اندر ہے, پانی گھر کے دور سے لانا پڑتا تھا کسی بھی کام کے لیے. تو کہتا میں بھی اٹھا اور مجھے رفع حاجت محسوس ہوئی تو میں نے کہا اٹھو اس کو آواز ہوئی پانی لے کر, تو میں دیکھا اس کمرے میں سے کوئی دور روشنی نکل رہی ہے اور اندر سے آوازیں آ رہی ہیں اسی کی, یا سیدی یا سیدی, جی میرے مولا جی میرے مولا. تھوڑی دیر میں اچانک سے جب میں نے اس کو آواز دی تو ایک دم وہ روشنی ختم ہو گئی اور یہ دیکھو ختم آیا. تو میں اس سے پوچھنے لگا کہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ بولا کوئی آپ کو مجھے کہاں میں پانی لا دوں آپ کے لیے. کہتا نہیں نہیں ساری باتیں چھوڑو, تم بات کس سے کر رہے ہو؟ تو جب میں نے بہت اسٹریس کہتا اس کو چھوڑ دیں میں آپ کو جو کام بولے. کہتا اگر تم نے مجھے نہیں بتایا تو میں بھی شور مچاؤں گا اور سارے طالب علم پھٹے ہو جائیں. تو اس نے مجھے ہاتھ جوڑے, اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آپ یہ بات کسی کو بتائیں گے. کہا وقت کا امام آیا ہوا تھا کمرے میں, ایک ایسا شخص جو لوگوں کے لیے پانی روکی لا رہا ہے, وقت کا امام. ہمیں نہیں پتا ہمارے درمیان میں کون اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے. کبھی کسی کو گفتارے مت, کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھے. ہمیں نہیں پتا کون ہے امام کا, جس سے امام خوش ہو جس سے امام راضی ہو. کچھ عرصے بعد طالب علم کہتے ہیں عالم دین کے وہی شخص میرے کمرے میں آیا رات کو, اس نے مجھے بتایا کہ کل صبح چلا جاؤں گا. کہاں کہاں؟ کہا امام کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے بلایا ہے کہ اب تم ہمارے ساتھ آ جاؤ. کہتا رات کو بیٹھ کر بہت گریا کرتا رہا اور پھر اس کے بعد جب وہ گیا تو میں نے اس کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھا. مدح ترانہ, یہ آنکھیں کب دیکھیں گی امام؟ میں پوری مخلوق کو دیکھ رہا ہوں مگر میں مولا آپ کو نہیں دیکھ رہا. کربلا کیا ہے کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر حبیب ابن مظاہر کربلا پہنچے, سب چھوڑ کر شہید آ گئے, سارے لوگ سب چھوڑ کر آئے, سب کچھ کیوں آئے؟ امام قیمتی ہے, امام امپورٹنٹ ہے, امام مہم ہے, امام زندگی ہے. میں نہیں, میری زندگی نہیں ہے, اصل امام ہے. امام ہے جس کی گرفت میری زندگی گھومنی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نظام الہی ہے. یہ شخص اللہ کی طرف سے منصوب ہوا ہے, اسے میں نے نہیں چنا ہے. یہ تو شکر کریں کہ انہوں نے ہمیں چن لیا ہے کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں, ورنہ انہیں کس چیز کی ضرورت تھی؟ مگر مولا کائنات کو 25 سال اگر لوگوں نے امام نہیں بھی مانا تو کیا امامت میں کمی آ گئی؟ نہیں آئی. دنیا انہیں کچھ دے نہیں سکتی اور نہ ہی کچھ ان سے لے سکتی ہے. یہ تو یہ ہے کہ جنہوں نے دنیا کو دنیا لے دی. یہ نہ ہوتے تو توحید کو پہچان نہیں سکتا تھا کوئی. یہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں پروردگار نے انتخاب کیا اور جو ان کو پہچان گیا اس نے اپنی گردنیں کٹوا لی مگر امام کو نہیں چھوڑا. یہی تو ہے.
कि अपने अंदर के वजूद से इमाम हुसैन को पहचाने, ना सिर्फ जबान से, ना जाहिर से, अपने वजूद से इमाम को पहचाने कि शबे आशूरा आई, सब जमाए इमाम सबको, इमाम ने सबको चले गए। ये जंग मेरे साथ हजरत अकील के भाई खड़ा हो गए, मौला आपके बगैर की जिंदगी को जिंदगी हम छोड़ के कहां जाए, आप कुछ सोचे, अभी आपको मैं बोलूं करबला की ज्यारत पे जाएंगे, हम सब पुलिस वहां बैठ जाओगे, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, अभी तो आप ज्यारत पे जाते हैं, अभी तो आप हरम देखते हैं खाली, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम हरम, आज तो हम वैसे फरमाते रहे कि जैसे ही अपनी जिंदगी में थे हयात अभी भी वैसे ही है, ऐसा नहीं कि सो रहे हैं, नहीं नहीं आप जाए तो बिल्कुल ऐसे जैसे दरबार लगा हुआ है, आप दरबार में जाते हैं, यही तो आदाब ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शराइत में आयतुल्लाह उज़्ज़मा बयान फरमाते हैं, अगर हरम में दाखिल होते हुए तुम्हारी आंख में आंसू आ गया इसका मतलब है तुम्हें इजाजत मिल गई है। सोचिए अभी कितना तड़पता है इंसान करबला जाने के लिए, और जो करबला के महवर के साथ खड़े हो वो छोड़ के जाते हैं, उनको कोई तारीखी किताब नहीं लिख पाई, मैंने तो नहीं देखा कि कोई जो इमाम के पास आया और इमाम को छोड़ के गया। तबीज के भाई ने कहा मौला 70 दफा मारा जाए, 70 दफा जिंदा किया जाए, मां रख तुम्हारे पास, हम आपको नहीं छोड़ सकते, इमाम को पहचानने, इमाम की शनाख्त मारिफत इसीलिए मुहिम है कि इंसान और बशरियत को इर्तिखा देनी है, कमाल देना है, ये सिर्फ थोड़ी देर का मामला नहीं है, क्योंकि हमारे तो जहनों को बहुत बहुत छोटी सी चीजों में बस, जैसे बच्चा आता है ना, बच्चा अब बच्चा आए, अब आप उसको बड़ी सी दुकान है, बड़ी बड़ी चीजें पड़ी हैं, आप उसकी कॉपी दे तो चला जाए, बच्चा है ना उसको पता नहीं है कि ये जो बड़ी सी चीज रखी हुई है ये कितनी मुहिम है, वो टॉपी लेके चला आया था, हम कहते हैं वो सवाब मिल गया, वो सवाब तो आपको वैसे ही मिलना था, आपने इरादा किया है इमाम हुसैन के लिए सवाब आपको मिल जाएगा, सरदार शबाबुल अहले जन्नत है, वो जन्नत के सरदार है, अगर वो आपको जन्नत नहीं देंगे तो कौन देगा जन्नत, लेकिन बात जन्नत की नहीं है, बात रज़ाए इलाही की है, बात उन मकामात की है कि जो इमाम हुसैन जिस पर लेके जाना चाहते हैं लोगों को। आयतुल्लाह काजी तबा तबाई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इमाम हुसैन वासे रहमत है, वो खुदा की रहमत इमाम हुसैन के सिवा नहीं मिल सकती आपको, और उस रहमत की तरफ जाने का दरवाजा हजरत फज़ल अब्दुल वफा है, यहां वफा हुई बाबुल आवाज पर के इमाम हुसैन इमाम हुसैन के साथियों ने अपने सीनों पे तीर खाए, क्यों खाए, ताकि इमाम नमाज पढ़ लें, और जब गिर गए कानों में जुमले आपने सुने, सुने आपने कुछ ज्यादा कहीं सुने, क्या कहते हैं वो, कहा मौला राजी अल्लाह, यानी अपनी जान देने के बाद भी मौला राजी है, है इमाम हुसैन, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता आपको, और मैं बहुत माजरत चाहता हूँ कि मैंने वो बातें की कि मगर आप जो गवाह हैं बुजुर्ग भी बैठे हैं और माँ आप जानते हैं, आइए करबला की उन कैफियतों को सुनिए, मैं बस एक कैफियत का जिक्र आपसे करूँगा, बाकी आप जब भी मजलिसों में बैठे जब याद आए तो रो लीजिए। कुछ साल पहले मैं सफर पर जा रहा, सफर मेरा लंबा हो गया, यानी जो मुद्दत में मुझे पलटना था मैं घर पलट नहीं पाया, तो रानी हो गया, मेरी बेटी रोज मुझे फोन करती थी, बाबा कब आएंगे, उसका बेटे अगले हफ्ते, अगला हफ्ता उधर जाता था, बाबा आपने कहा था हफ्ते बाद आएंगे,
मैं कहा बैठा फिर काम नहीं हुआ, फिर मैं एक दिन बैठा हुआ था, मुझे अचानक एक लंबी के मैंने करबला को महसूस किया, क्या महसूस किया, मैंने कहा कि मुझे तो उम्मीद है कि मैं पलट जाऊंगा। मगर एक बाप जो अपनी बेटी से जुदा होता था, मौला की सवारी चलना शुरू हुई, देखा सवारी चल रही है, देखा बच्ची लिपटी हुई है, मौला नीचे उतरे, मौला ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के लिपटी हुई है बच्ची के साथ गले लगे, युवा क्रिया किया, न जाने बच्ची को क्या कहा होगा, मौला ने वो बच्ची जो सुबह से देख रही हो कि जो गया है वापस नहीं आया, जो जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा, आप खुद जो बेटी हो वाले हैं महसूस कीजिए, जब आप घर से निकलते हैं आपकी बेटी कैसे आशीष से बनती है, बाबा को जानेंगे, बाबा क्या लाएंगे, और जब आप जाते हैं तो सबसे पहले बेटियां, क्योंकि बेटियां ही तो बाप के जनाजों की जीनत होती है, आज कहती है मैं कुर्बान हूँ करबला के शहीद पर, कि कैसी जीनत है ये बेटी, कि जब रोते आशूरा अजरे आशूरा, जब मेरा मौला हाथी करबला पर गिरा है तो बेटी को प्यार से नहीं उठाया, ये बेटा बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ, नहीं कभी कहां से आने लगा था, हमें बाहमी जो हमारे इख्तलाफ हैं, इमाम
حسین سچے ہو جائے، دور فرما ہمیں بہتر طریقے سے عزاداری ماتم کریا کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں حسین کے، اللہ شکر زیارت حسین پھر دنیا